हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुद्ध शाकाहारी भोजन में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रोनी है। तो आज हम जो है कि माइक्रोनी बनाने वाले हैं। तो माइक्रोनी बनाने के लिए हम इसमें जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च इसमें हम डालेंगे और शिमला मिर्च की कटिंग इस तरीके से कुछ कर लेंगे हम। और ये हमारा प्याज है, हमने दो तीन प्याज हमने कटिंग करी है इसमें। और प्याज का साइज आप देख लीजिए, प्याज भी बड़ा बड़ा होना चाहिए और हमारा शिमला मिर्च का साइज भी बड़ा होना चाहिए। और ये दो टमाटर है, टमाटर पीली टमाटर है, आप लाल टमाटर भी ले सकते हैं, हमारे पास पीली थी तो हमने पीली ले लिया। और ये हमारा टमाटर, दो टमाटर हमने ये इसी शेप में इसको भी कटिंग कर लेंगे। और हम इसमें मसाले में हम ये हमारा पास्ता मसाला है और ये हमारा पैकेट वाला दो पैकेट पास्ता मसाला है। लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, 2 चम्मच हमारा ये नमक है और ये हमारा चिली सॉस है। और ये हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाना शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको नीचे रेड बटन है और उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे वीडियोज़ के। और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँचे। सो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले हम माइक्रोनी को बॉयल कर लेंगे और माइक्रोनी को हल्का सॉफ्ट होने तक उसको हम 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में डालकर नरम होने तक उसको हम बॉयल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम माइक्रोनी को है जो अच्छे से हमने इसको बॉईल कर लिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में डाल करके गर्म कर बॉईल कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल करके इसको हम ठंडे पानी में डाल करके छोड़ देंगे। ठंडे पानी में इसलिए डालेंगे ताकि जो ये है वो चपके नहीं दूसरे में, इसलिए हम इसको ठंडे पानी में डाल करके छोड़ देंगे। और आइए हम प्याज का मसाला तैयार करते हैं इसमें डालने के लिए। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। हम प्याज भूजने के लिए जो मसाला है तैयार करने के लिए हम इसमें ऑयल डाल देंगे। इसमें हम सरसों का तेल डालें, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें सरसों का तेल डाल दें और तेल गर्म होने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद हम इसको 1-2 मिनट तक लाइट ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से भूज लेंगे। और फ्लेम हमारा बिल्कुल गैस का तेज होना चाहिए। प्याज हमारा देख सकते हैं आप फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, इसको डालने के बाद इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब पास्ता मसाले को हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके घोल करके तब हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता मसाला। डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक फ्लेम को, गैस की फ्लेम को तेज करके ही, बस 1 मिनट ज़्यादा नहीं, आधा 1 मिनट इसको हम थोड़ा देर बस चला लेंगे। आधे 1 मिनट हम भूजने के बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। टमाटर कटी हुई 2 टमाटर इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च डालने के बाद। और इसको डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक थोड़ा सा नरम होने तक भून लेंगे थोड़ा सा। और गैस का फ्लेम हम थोड़ा कम कर दें वरना ये थोड़ा जल जाएगा, इस वजह से हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसको हम थोड़ा नरम होने के लिए शिमला मिर्च टमाटर को छोड़ देंगे। टमाटर और शिमला मिर्च को हमने 1/2 मिनट तक नरम होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें हम माइक्रोनी डाल देंगे और माइक्रोनी को हम बॉईल करने के बाद इसको हम निकाल करके ठंडे पानी में डाल करके थोड़ा सा भून लिए हैं ताकि अलग अलग हो जाए चपके ना, और निकाल करके अब इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे का भी भूनना है, कुछ करना नहीं है इसमें। अब इसमें हम चिली सॉस डाल देंगे, टोमेटो सॉस, बस इसको डाल करके अब हम अच्छे से बस इसको हम मिला लेते हैं। और ये हमारा बिल्कुल माइक्रोनी जो है वो एकदम यमी माइक्रोनी हमारा बन के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है खाने में। तो ये हमारी माइक्रोनी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग तक हमारी ये वीडियोज़ पहुँच पाए और ये टेस्टी टेस्टी सा डिश सबको मिल पाए। सो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को उसे लाइक करें। और जो चीज़ें अगर समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर बताएंगे। अच्छा बुरा जो जैसा भी लगे आप बिल्कुल बताएं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। अपने घर में बनाएं, खाएं, स्वस्थ रहें। बाय।